अगर आप भी छोटा सा अपना घर पे देसी मुर्गी फार्म चला रहे हो और उसका वो आगे बढ़ाना है उसको थोड़ा थोड़ा करके, तो आप चाहें तो ऐसी खुद पे घर पे ऐसी मशीन बना सकते हो। ये मेरा आपको दिख रहा है टेम्परेचर मीटर सेंसर है, जो वो है M452, इसमें भी लगा हुआ है। और मैं दिखा देता हूँ, मैंने काफ़ी सामान मंगवा के रखा हुआ है एक्स्ट्रा में। ये मेरे दो कंट्रोलर हैं, ये 1209 वाले हैं, दो एक्स्ट्रा मंगा के रखे हुए हैं। एक M452 है, ये भी एक्स्ट्रा मंगा के रखा हुआ है कभी मशीन में कोई गड़बड़ हो जाए। एक ये पड़ा हुआ है ख़राब, इसको देखूंगा चेक करूंगा सही है कि नहीं अभी। उसके अलावा तो ये डोरी बल्ब, ये तो इतना फालतू रखता ही हूँ मैं। तो आप भी छोटे से स्तर से अपने घर पे इस तरह की मशीन बना के शुरू कर सकते हैं। मशीन बनाने नहीं आती है तो किसी भाई से आप ख़रीद सकते हो, या ऑनलाइन यूट्यूब पे आजकल आपको इतना कुछ मिल जाएगा कि आप अगर सस्ते वाले कंट्रोलर से करते हो तो आपका 100 रुपये का डब्बा आधा एक, ये मेरे हैं 3 डब्बे एक जगह में, तो आप चाहें तो एक डब्बे से, इस छोटे से डब्बे से इतना डब्बा जो रहेगा इतने पोर्शन का उससे शुरू कर सकते हो। और बड़े डब्बे से अगर आपको शुरू करना है तो इस तरह से दो या दो या 3 डब्बे मैंने जोड़े हुए हैं, तो आप 2 डब्बों को इस तरह से जोड़ सकते हो। 2 डब्बे जोड़ के भी आप अपना काम इस तरह से एक मशीन जिसमें 200 अंडे बड़े आराम से आ जाएंगे अपने शुरू कर सकते हो। तो एक थर्माकोल का बॉक्स लेना है आपको सिंपल छोटा सा, जो आपको 100 से 150 रुपये का सेकंड हैंड मछली वाले के यहाँ कहीं भी मिल जाएगा। उसको काटना है या काटना नहीं है उसमें, अगर आप ज़्यादा मेहनत करना नहीं चाहते हो, दो नहीं बनाना है, तो सिंगल इतना बड़ा लीजिए एक। इस तरह का आप कोई भी कंट्रोलर मंगा लो, ये तो थोड़ा महंगा बैठता है, आप अमेजन फ्लिपकार्ट पर सर्च करोगे 900 से 1200 1500 तक का आता है। और छोटा वाला कंट्रोलर है जो, वो मिल जाएगा 150 से 200 रुपये तक का, 1209। तो कोई सा भी छोटा सा कंट्रोलर ले लो, उससे अपनी छोटी सी मशीन बनाओ और उसमें अंडे रखो, और गर्मी में जो नुकसान होता है खाने में अंडा नहीं जाता है, तो उससे अपनी मशीन चालू करके और अपने चिक्स निकाल सकते हो। तो ये पूरे अंगड़ बंगड़ इसके हटे हुए हैं भाई, इसको सही करूँगा अभी, देखूँगा। ये सारी मशीन अभी ऐसी पड़ी हुई थी 2 महीने से 3 महीने से, तो इसको आज सही करूँगा। एक को मैंने अभी टेस्टिंग मोड पर डाल दिया है, देखो आप। ये टेम्परेचर अभी अगर मैं आपको दिखाऊँ, इसका टेम्परेचर है मेरा 37.8 हो रहा है, ये ह्यूमिडिटी है और टेम्परेचर 27.9। अगर मैं इसको यहाँ पर रख दूँ इस तरह से इसके पास में, तो टेम्परेचर एकदम से बढ़ेगा और ये मशीन मेरी बंद हो जाएगी। तो मैं करके दिखा देता हूँ आपको ये काम भी, देखो आप। टेम्परेचर मैं कैसे दिखाऊँ आपको भाई, कि बढ़ रहा है कि नहीं। ये 28.5 पहुँच गया है जैसे जैसे हम कंट्रोलर, तो अभी मैंने जो मेरा कंट्रोलर था उसको बल्ब के ऊपर ही रख दिया है, गिर गया है, तो टेम्परेचर बढ़ रहा है धीरे धीरे, 33.9 हो गया है। अब ये घटने लगेगा जैसे नीचे गिर गया, फिर से ऊपर रख देता हूँ। तो ये मैं सिर्फ टेस्टिंग करके आपको दिखा रहा हूँ। तो इस तरह से आप अपनी मशीन बना सकते हो, देखो टेम्परेचर 34 पहुँच गया है। तो इसमें अंडे रख के भी मैं आपको दिखाऊँगा अपने घर पर आप कैसे छोटे से मशीन से और अपना एक बिजनेस को, जो छोटा सा काम है उसको बढ़ा सकते हो। तो अभी टेम्परेचर एक बार हम देख लेते हैं कि पहला पुराना सेट था ये 37.5 या 4 होगा, वो ऑटोमेटिक मशीन बंद होती है कि नहीं, तो पता चल जाएगा तब तक मेरा ये चिपक ना जाए वायर, क्योंकि तो वायर उसके ऊपर जा रहा है, बल्ब हो रहा है गर्म, तो ये चिपकने के चांस हैं। तो अभी तो मैं तो ये देखो 37.9 टेम्परेचर इसमें दिखा रहा है, अभी 38 हो गया, बढ़ रहा है धीरे धीरे, क्योंकि बल्ब के ऊपर रखा हुआ था ये, अब मैंने नीचे गिरा दिया है। तो जैसे ही टेम्परेचर ऊपर हुआ वैसी मशीन बंद हो गई है, अभी टेम्परेचर नीचे जाएगा धीरे धीरे घटेगा तो ये मशीन फिर से चालू हो जाएगी। तो पूरा प्रोसेस है वो, तो कैसे इनक्यूबेटर काम करता है वो अलग से आपको वीडियो हमारे आई बटन में मिल जाएगी। बाकी इस वीडियो को बनाने का मकसद यही था कि घर पे रह के कैसे आप अपना इनक्यूबेटर बना के, और या कहीं से ख़रीद सकते हो, आपको 2-3 हज़ार रुपये में 100 अंडों का बड़े आराम से मिल जाएगा, या घर पर बनाओगे तो आपका 1000 से 1500 में तैयार भी हो जाएगा सस्ते वाले मीटर के साथ। और बढ़िया मीटर के साथ इसके साथ बनाना है तो आप अमेजन से, फ्लिपकार्ट से, बहुत वेबसाइट है वहाँ से भी आपको 800 का मिल जाए, 1000 का 1200 का, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कितने का आप लोगे। बाकी बल्ब लगते हैं दो ये DC फैन है, 100-100 रुपये के मिल जाते हैं, ज़्यादा मंगाओगे तो मुझे तो 75 रुपये के मिल गए थे, मैंने 6-7 एक साथ मंगाए थे। बाकी ये होल्डर हो गए 20 रुपये का, 10 रुपये का बल्ब, 30 रुपये का खर्चा ये है मुश्किल से, 60 रुपये का दो जगह, और 200 रुपये के पंखे हो गए 250 रुपये, 100 रुपये का आपका 150 रुपये का ये मान सकते हो 400, और आप बाकी आपका रहेगा मीटर। अब 800 का मंगाते हो, 1200 का मंगाते हो, देखो टेम्परेचर देखो जैसे 37.5 हुआ और एकदम बल्ब ऑन हो गए। तो ये पूरा प्रोसेस है, बाकी मैं आपको अंडा लगा के भी इसमें दिखा देता हूँ।
तो भाई देखो ये दूसरी मशीन भी चालू कर दी है, एक यहाँ से चल रही है, उसका टेम्परेचर अभी 38 दिखा रहा है। तो ये मशीन मुझे लगता है कि भैया सीधी सी बात है बल्ब हो गया होगा बंद, ठीक है। इसको अगर मैं खोल दूँ ऐसे करके, अभी देखना आप। और ये मशीन का टेम्परेचर 25.7 है, तो ये मशीन के बल्ब हैं चालू। अब देख लेता हूँ एक चालू है दोनों चालू, क्योंकि बहुत दिन हो गया था मशीन को, बल्ब भी नीचे पड़ा है भाई, तिरछा है। इसको सही करता हूँ पहले, और उधर का बल्ब भी बंद है। लेकिन इसमें मैंने एक सिस्टम और किया हुआ है कि अगर किसी भाई को लाइट नहीं आ रही घर पे, इन्वर्टर से चला रहा है, तो अपना बाहर से स्विच है ऐसे करके बंद कर दो। दोनों मशीनों में सेम सिस्टम किया हुआ है, बंद कर सकते हो आप अपने हिसाब से, अपने हिसाब से मशीन चालू कर सकते हो। वैसे भाई किसी को मशीन चाहिए तो हम भी दे देते हैं बना के, लेकिन समय नहीं है, अभी कई सारे काम हो रहे हैं। अभी ये देखो इधर, इसको भी मैं आपको वही करके दिखा देता हूँ सेम प्रोसेस। ये देखना आप, बंद हो गया, चालू हो गया। ये मैंने स्विच अलग से लगाया, स्पेशल अपने हिसाब से मशीन डिजाइन की हुई है, बनाई हुई है। ये 300 अंडों की मशीन है मेरी, और वो मेरी 200 अंडों की मशीन है। तो 300 अंडों की मशीन मैंने वही उसी सामान के अंदर, बस एक डब्बा एक्स्ट्रा लगाया मेरा, 150-200 रुपये का खर्चा फालतू हुआ, उसी में मैंने बना दी है। तो ये अपने लिए बना रखी है, और बाकी कुछ मशीनें कुछ भाइयों के डिमांड पर बना के उनको दी भी हैं, कई कई भाई ले गए हैं बनवा के हमसे। तो अभी एक मशीन इनमें से मैं चालू करने वाला हूँ आज, ये करूँ कि ये करूँ, मैं वो देखता हूँ कौन सी टेस्टिंग के तौर पर सफल रहेगी। वैसे दोनों ही ठीक हैं, बाकी सामान एक्स्ट्रा रखा हुआ है अपने पास, तो दोनों को चेक कर लेते हैं, देख लेते हैं एक बार, और उसके बाद हम लगाने वाले हैं इसमें अंडा। तो भाई मशीन हो गई है रेडी एकदम, सेट कर दिया इसको, थोड़ा सा खींच लेते हैं अंदर, खुलने में आसानी रहेगी। और ये देखो नीचे गत्ता वगैरह लगा के पूरा फिट कर दिया है, और अब इसमें मैं रखने वाला हूँ अंडे। मुझे वैसे अखबार रखना था इसके ऊपर, लेकिन अखबार अभी घर पे है नहीं, तो इसलिए मैं इसमें ये गत्ता बिछाया नीचे, इसके ऊपर रखूँगा अंडे, और एक यहाँ पानी का कटोरा रखूँगा, और अंडे रख के आपको दिखाता हूँ। उससे पहले हम करते हैं अंडों की टेस्टिंग कि हमारा कोई अंडा फूटा हुआ तो नहीं है। तो एक एक अंडे को हम इस टाइप से मोबाइल की टोर जला के देखेंगे कि अंडा सही है कि ख़राब है, तो बस वो मैं करके आपको दिखाता हूँ। आप ऐसे करके लाइट जला के इस पर देखेंगे तो आपको दिख जाएगा अगर कहीं पर अंडा फूटा हुआ है। तो सारे अंडे सही सही करके मैं साफ़ करके, बढ़िया कपड़ा गंदा लिया हुआ मैंने ये, तो इससे मैं साफ़ करके इनको रखने वाला हूँ मशीन में। ये देखो भाई मशीन अपनी चल रही है, फाइनली चालू कर दिए, 3-4 दिन हो गए हैं। मैं बीच में वीडियो बनानी भूल गया, आपको दिखा देता हूँ किस तरह से अंडे रखे हैं इसमें। ऊपर से ईंट रखी है ताकि हवा बाहर ना निकले। और ये देखो आप, अभी मशीन बंद है, जैसे टेम्परेचर इसका डाउन होगा 37.5 से नीचे जाएगा तो ये चालू हो जाएगी। ये कुछ अंडे इतना समय नहीं मिल पाया एकदम से साफ करके रखूं, तो बस ऐसे ही रख दिए। ये पानी का बर्तन बल्ब के नीचे रख दिया है, एक फ़ैन है डीसी फैन, 100 रुपये का मिल जाता है जो। तो ये पूरी मशीन अपनी रेडी है, और बाकी अभी देखो ये बल्ब ऑन होने वाला होगा। टेम्परेचर है 37.7, थोड़ा ह्यूमिडिटी कम हो रही है क्योंकि बर्तन थोड़ा छोटा है, तो उसके लिए भी पानी लाया हूँ, और ये बर्तन चौड़ा वाला इसमें मैं रखने वाला हूँ। तो अभी दिखाता हूँ आपको, तो अभी देखो टेम्परेचर दिखा देता हूँ आपको, 36.8 है ये, तो बल्ब ऑन हो गए हैं, तो दोनों बल्ब मेरे ऑन है। तो इस तरह से आप भी भाई घर पे छोटे से स्तर से अगर काम शुरू करना चाहते हो, तो अपने घर पे बनानी है तो 1500 में मशीन तैयार कर सकते हो। बाकी भाई किसी को खरीदनी है, अच्छे मीटर में खरीदनी है, तो आपको 2500 से 3000 तक की पड़ेगी। और किसी को चाहिए भाई छोटी मशीन चाहिए 100 अंडे वाली या 200 वाली, तो हमसे बनवा सकता है। मैंने तो क्या देसी जुगाड़ करके अपना ये 300 अंडों की बनाई हुई है, तो अभी इसमें अंडे तो कमी है, 220 के आसपास रखे हुए हैं। बाकी अभी देखो आगे दूसरी मशीन एक स्पेयर में रखी हुई है, ज़रूरत पड़ेगी तो उसको रख देंगे। यो मैं एक चीज़ बताना भूल गया था आप लोगों को कि टेम्परेचर रखते कितना है, कि भाई टेम्परेचर तो 37.7 ही रखते हैं, बाकी ह्यूमिडिटी डिपेंड करता है कि आपने पानी का बर्तन कैसे रखा हुआ है। पहले ह्यूमिडिटी मेरी 40 तक जा रही थी, अब धीरे धीरे मैंने 2 बर्तन कर दिए हैं, और बर्तन का जो ऊपर का मुंह होता है साइज होता है उसको चौड़ा कर दिया है, दूसरा बर्तन बदल दिया है, तो उससे ह्यूमिडिटी मेरी 52 से देखो बढ़ रही है 52.6। तो आपको टेम्परेचर का तो चलो ठीक है, आपके पास टेम्परेचर मीटर है खुद से, 37.5 से 37.7 तक रखना है, लेकिन ह्यूमिडिटी के लिए आप बर्तन को छोटा बड़ा कर सकते हो। अगर आपने फोगल लगाया हुआ है, देखो मेरा ये पोर्ट जो है खाली है, तो इसमें फोगल नहीं लगाया, क्योंकि फोगल लगाऊंगा तो उसका भी इलेक्ट्रिसिटी का चार्ज या इलेक्ट्रिसिटी का जो खर्चा है वो बढ़ जाएगा। और मैं इन्वर्टर से अभी मशीन चला रहा हूँ, ये लाइट नहीं आती है तो इन्वर्टर से चलती है, तो उसमें कुछ कम टाइम चलेगी, तो उससे अच्छा है कि मैं टेम्परेचर को
तो मीटर से मेंटेन कर ही रहा हूँ, लेकिन फोगर की ज़रूरत नहीं है। तो मैं बर्तन को छोटा और बड़ा करके इस ह्यूमिडिटी को 70 से 75 तक अभी ले जाऊँगा, पहले 18 दिन, और उसके बाद इसको 90 तक लेके जाना है हमें लास्ट के 3 दिन। तो पहले 18 दिन अंडे को घुमाते हैं, हिलाते हैं हल्का हल्का, देखो एकदम से लाइट, अभी टेम्परेचर 37.5 हुआ, तो आपने देखा होगा कि बल्ब ऑन हो गए हैं, और एक बल्ब मैंने अलग से लगाया हुआ है, तो इसको मैं अभी बंद कर देता हूँ, क्योंकि मेरा चल रहा है इन्वर्टर से, तो इधर वाला बल्ब मेरा हो जाएगा बंद, एक बल्ब से ही मेरा काम चलता रहेगा। 300 अंडों की मशीन सोचो आप, कि 100 वाट के बल्ब से मैं जला रहा हूँ। तो भाई बस आज की वीडियो का पर्पज़ यही था कि आप अगर छोटे स्तर से मशीन बना के और अपना घर पर काम शुरू करना चाहते हो, तो ज़्यादा खर्चे में ना करके 4-5 हज़ार रुपये में आप अपना काम शुरू कर सकते हो। तो वैसे करना इसी तरह से चाहिए आपको, अगर आपके पास पैसा है ज़्यादा कुछ हिसाब से भाई, तो आप 1-2 लाख लगा लो, लेकिन 5-10 हज़ार में शुरू करना है तो आप इस तरह से कर सकते हो। और बाकी भाइयों, हम कोशिश करते हैं आपको हमारे चैनल पर इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियो, जो भाइयों को कुछ लाभ हो सके, जो गांव देहात में रह रहे हैं, अपना छोटा सा काम शुरू करना चाहें, खेती बाड़ी कर रहे हैं उसके साथ में, मजदूरी कर रहा है बेचारा कोई, तो उसके साथ में अपने घर पर काम शुरू करना चाहे, तो ऐसी वीडियो हम आपको लाते रहते हैं, आगे भी उपलब्ध कराते रहेंगे। तो भाइयों बस एक गुजारिश है छोटी सी, कि चैनल को सब्सक्राइब करके और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो शेयर करें, क्योंकि देखो भाई किसी और का भी भला होगा। बाकी सब्सक्राइब करने में कोई खर्चा नहीं है, बिल्कुल फ्री होता है, तो ये सब्सक्राइब करके आप, और ये बेल आइकन होता है इसको दबाएं, उससे क्या है कि आने वाली हमारी कोई भी वीडियो आएगी तो आपको उसका तुरंत एक नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद भाइयों, आपने अंत तक ये हमारी वीडियो देखी, और बाकी हम कोशिश करेंगे कि अगली वीडियो में आपको जब इस मशीन से बच्चा निकलेगा क्या रिजल्ट रहा उसका, वो भी बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।